हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट मैथ हाई स्कूल यानी क्लास टेंथ का जो मैथ का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट की। मैथ सब्जेक्ट में आप जानते हैं आपका 70 मार्क का पेपर आएगा और टोटल तो 100 होता है लेकिन 30 मार्क आपको स्कूल से प्रैक्टिकल के रूप में मिलेगा, तो आपको 70 नंबर का पेपर देना है। इसी पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। समय आपके लिए 3 घंटा रहेगा जो कि अच्छा खासा टाइम है। आप अगर 23 नंबर 70 में से पाएंगे तो पास हो जाएंगे, अगर प्रैक्टिकल में 30 में से 10 नंबर पाएंगे तब भी पास हो जाएंगे। न्यूनतम मार्क आपको 33 मार्क लाना रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं वेटेज कितना है टॉपिक का। सबसे पहले बात करेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। यहाँ से आपका 5 मार्क का पूछा जाएगा। अलजेब्रा की बात करते हैं तो अलजेब्रा का अच्छा खासा वेटेज है, यहाँ से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, यानी यहाँ से आपका 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ से आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं हम तो मेंसुरेशन, यहाँ से आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी यानी संख्यांकी तथा प्रायिकता, यहाँ से आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल आपके 70 मार्क यहीं से आएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं टॉपिक वाइज क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या पद्धति में। तो संख्या पद्धति में आपको वास्तविक संख्याएँ अब रियल नंबर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्या क्या होती है, शांत दशमलव अशांत दशमलव क्या होता है, आवर्ती दशमलव क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक आएंगे आपका 5 नंबर में। आगे बात करते हैं हम अलजेब्रा की। अलजेब्रा का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है तो आपको ये देख के अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से आपके 18 मार्क कवर होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणित विधि जैसे प्रतिस्थापन विधि होती है, विलोपन विधि होती है, वज्रगुणन विधि होती है। दो चरों के रैखिक समीकरण के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण भी आएंगे। यहाँ से आपके द्विघात समीकरण भी आएंगे जैसे ax2 + bx + c = 0, ≠ 0। इसमें केवल वास्तविक मूल संख्याओं का ही द्विघात सूत्र द्वारा निकालना रहेगा, गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना, विविधता आएगा और मूलों की प्रकृति के बीच संबंध आएगा। द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग भी आ सकते हैं, उस पर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। तो आप अलजेब्रा का काफ़ी मेहनत करिए, इस पर अच्छा खासा वेटेज है। आगे बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहला है लाइन, आपका द्विविमीय आएगा यहाँ पे। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र जिसमें आंतरिक विभाजन है और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। यहाँ से हीरो का फार्मूला जो होता है वो हट गया है, तो आप अपने हिसाब से बुक में मिला लीजिएगा। आगे बात करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में अब समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, जैसे इसमें ढेर सारी परिमेय होती हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये टॉपिक वाइज यहाँ पे दिया जो कि काफ़ी अच्छी बात है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये परमेय है सब, जिसमें से आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ से ढेर सारे टॉपिक हैं इसमें, देख लीजिए। और रचनाओं से भी आएगा, जैसे कि रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना, और त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की भी रचना करना। ये ढेर सारे टॉपिक हैं, आप देख लीजिए। बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का परिचय पूछा जाएगा, जैसे आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब की नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें कुछ एंगल्स होते हैं जैसे 0 से 90, त्रिकोणमिति अनुपात। अब देखिए यहाँ पे सही बात है कि आपको 90 के आगे नहीं याद करना है कुछ, तो दिया है पूरा सिलेबस में। और त्रिकोणमिति सभी संख्याएं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है यहाँ से। और आपको ऊंचाई दूरी भी देख के जानी है, ऊंचाई दूरी यहाँ से आपका लगभग 5 मार्क का पक्का ही आएगा, सिलेबस में दिया है, मेंशन किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ऊंचाई दूरी में उन्नयन कोण आएगा, उन्नमन कोण आएगा, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न आएंगे। और 2 समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो उन्नमन कोण है 30, 45, 60 होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन से आपको दिया जाएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला जो होता है, वृत्त के त्रिज्याखंड का फार्मूला, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला, और जो समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल होते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। प्रश्न यहाँ पे केवल केंद्रीय कोण 60, 90 और 120 अंश के बीच का ही पूछा जाएगा आपसे। आगे बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पे आपसे घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, शंकुछिन्नक, ये सारे यहाँ पे फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे पेपर में। और दिया गया कि धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न, दूसरे मिश्रित प्रश्न भी आपके आएंगे, मतलब अच्छे खासे प्रश्न यहाँ से आएंगे आपके। लगभग 10 मार्क का पेपर जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं स्टैटिक्स की। अब आपसे यहाँ पे मीन, मोड, ये सब पूछा जाएगा, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, संचयी, बारंबारता, आपका यहाँ पे देखिए ग्राफ भी आएगा, तो आप सही से पढ़िएगा। आगे बात करते हैं अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो आपके स्कूल में बताया जाएगा कैसे करवाएंगे वो। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी।
अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हाई स्कूल इंटर और 9th की और 11th क्लास की सारे सिलेबस की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है सिलेबस समझने में तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।